नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां हरदोई में दो मौतों ने व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने दोनों की मौत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं हरियावा और हरपालपुर थाना क्षेत्र में दो लोगों की आत्महत्या पर आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों को कांग्रेस ने 10-10 लाख देने का मुआवजा देने की मांग की है। इसी के साथ ही आवास और कृषि के लिए पट्टा देने की मांग और बैंक ऋण माफ करने की भी मांग की गई है। इसी के साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुआवजे की मांग की है। पत्रकार वार्ता का आयोजन इस संदर्भ में किया है, जो हरदोई जनपद के अंदर हरपालपुर में धनिया गाँव में वेदपाल और हरियावा जो सदर विधानसभा है, आबकारी राज्य मंत्री की गृह विधानसभा है, उनके नाक के नीचे एक शैलेंद्र नाम के युवक ने आर्थिक तंगी के चलते फांसी लगा ली। हम ये पत्रकारिता इसलिए कर रहे हैं कि अमृतकाल और सुशासन का दावा जो सरकार कर रही है, बड़े बड़े सरकारी आयोजन हो रहे हैं जनता के पैसे खर्च करके, वहाँ इन दोनों मजदूर भाइयों की मौत इनके लिए इनके अमृतकाल सुशासन पर कलंक है। आज उनके पास एक राशन कार्ड नहीं, दस साल से वो राशन कार्ड के लिए दौड़ रहे थे, राशन कार्ड नहीं उनके पास, पट्टा नहीं, आवास नहीं। अधीक्षण अभियंत कार्यालय पर महिलाओं ने डेरा डाल के रखा है। ध्वस्त हुई विद्युत व्यवस्था की वजह से महिलाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं महिलाएं प्रदर्शन करने के लिए बैठ गई हैं। आपको बता दें कि किसान नेता रीता सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं का प्रदर्शन हो रहा है वहां पर, जिसके बाद विभाग पर अघोषित विद्युत कटौती करने को लेकर के आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि अघोषित विद्युत कटौती से किसान की फसल बर्बाद होने का आरोप भी लगाया जा रहा है। इसी के साथ ही उपभोक्ताओं का बिजली बिल ज्यादा आने का भी आरोप लगाया जा रहा है। महिलाओं ने विभाग के कर्मचारियों पर अभद्रता करने का भी आरोप लगाया है। वहीं इसी के साथ व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो महिलाओं ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हम लोग यहाँ अधीक्षक अभियंता के यहाँ घेराव किए हैं। इस समय गर्मी के समय में ना तो बारिश हो रही है, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है किसानों के खेत की, कि उनके खेत की सिंचाई नहीं हो पा रही है। और दूसरी बात है, जनता इस समय इतना परेशान है, रात और दिन में ये पता नहीं कि इनकी किस समय में एक एक दो दो घंटे की कटौती कर देते हैं। कहीं भी पता लगाओ तो पता नहीं लगता है कि कितनी देर बाद लाइट आनी। बेसिकली यहाँ पर कुछ सम्मानित महिलाएं आई हुई थी और उनका मुख्य बिंदु था यहाँ की जो अघोषित विद्युत आपूर्ति को लेकर के, तो उसके बारे में उनको अवगत करा दिया गया है। इसके अलावा कुछ और भी उनकी समस्याएं थी तो उस पर भी उनको बता दिया गया है कि निश्चित तौर पर बिंदुवार उनकी समस्याओं का निराकरण कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। महिला शिकायतकर्ता पर एंटी करप्शन ने संज्ञान लिया है। जी हां, छापेमारी कर रंगे हाथों पकड़ा गया है बाबू धर्मेंद्र को कानपुर से, जिसके बाद पेंशन के बताया जा रहा है कि वो पेंशन के नाम पर घूस मांगने वाले बाबू को सीबीआई की एंटी करप्शन टीम ने धर दबोचा है। प्रधान क्लर्क धर्मेंद्र कुमार को लाखों रुपए लेते हुए टीम ने छावनी परिषद से पकड़ा है। इसी के साथ ही सीबीआई ने 40,000 रुपए घूस लेते हुए बाबू को मौके से पकड़ लिया है। अब मृतक के बेटे से बाबू ने घूस के लिए 40,000 की डिमांड की थी, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम बाबू को उसके घर ले जाकर छानबीन कर रही है। वहीं आय से अधिक संपत्ति को लेकर भी बाबू के खिलाफ कई तरह की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, जिसके साथ ही एंटी करप्शन की टीम के पास जानकारी पहुंचने के बाद परिषद में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। वहीं घुसखोर बाबू एक महीने से घूस के लिए मृतक के बेटे को परेशान कर रहा था, ऐसा कहना है मृतक के परिवारजनों का। देखिए, यहाँ पर एक रामवती इंदल करके एक सफाई कर्मचारी थी जो अपनी पेंशन के लिए दौड़ रही थी, तो इन्होंने धर्मेंद्र बाबू ने कुछ पैसे से उससे मांगे होंगे, तो पैसे से मांगे तो उसने सीबीआई को शिकायत कर दी कि भाई हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं। तो उसी संदर्भ में उसी को संज्ञान लेते हुए आज सीबीआई की पूरी टीम कैंट बोर्ड ऑफिस आई और उन्होंने अपने जो रंगे हुए नोट देते हैं उन्होंने उसको लड़के को दे के भेजा, रामवती इंदल की लड़के को भेजा और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की, वार्तालाप की और उसको जैसे धर्मेंद्र को पैसे। पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव ने लिपिक के साथ अभद्रता की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद भोलेपुर विद्युत विभाग कार्यालय में बाबू से अभद्रता की ये पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि लिपिक के साथ अभद्रता करते का एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लिपिक को ऑफिस के अंदर गाली गलौज कर धमकी दी गई थी, वही जूते से मारने और नौकर बताकर पीटने का भी प्रयास किया गया था।
ऑफिस के अंदर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया, जिसके बाद लिपिक पर कनेक्शन चालू करने का दबाव बना रहे थे। आपको बता दें कि लिपिक के ने पूर्व सांसद से बकाया राशि जमा करने को कहा था, जिसके बाद लिपिक के ऊपर पूर्व सांसद ने ये सारी की सारी झूठे मारने और पीटने का प्रयास किया गया। मकान के पुराने लेंटर को तोड़ते समय एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि भरभरा कर जर्जर पड़ा हुआ लेंटर गिर गया, जिसकी वजह से 3 मजदूर मलबे में दब गए हैं, जिसमें एक की दर्दनाक मौत बताई जा रही है। वहीं 2 अन्य घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं मजदूर की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। थाना शमशाबाद क्षेत्र के कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बस्ती जिला में 4 दिनों से गांव में बिजली ना रहने को लेकर के ग्रामीणों में भारी रोष और ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए। बताया जा रहा है कि विद्युत बहाली को लेकर के हिंद मजदूर महासभा ने डीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया है। वही विगत 4 दिनों से बताया जा रहा है कि बस्ती मेडिकल कॉलेज कैली रोड में जो की है बगल बिजली का खंभा टूट जाने से कृष्ण भगवती पांडे ढी छबीला और उसी के साथ ही जगदीशपुर दुधौरा सहित अनेक गांव की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। इसी के साथ ही विद्युत आपूर्ति को पुनः बहाल कराए जाने की मांग की गई है। वही आपको बता दें कि संयोजक गौरी शंकर के नेतृत्व में अनेक लोगों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मौजूद जिलाधिकारी के स्टेनो को ज्ञापन सौंपा है और बिजली व्यवस्था ठीक करने का आश्वासन देने को कहा है। लेकिन अगर बिजली व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो इसी के साथ आंदोलन और प्रदर्शन करने का भी चेतावनी देकर के वहां के लोग वहां से वापस लौटे हैं। 3923 से कैली हॉस्पिटल के बगल में सारी जितने दुकानें हैं, जितने जनता का मकान है, सब जो है अस्त व्यस्त व्यवस्था में पड़ा हुआ है और 3 तारीख से बिजली व्यवस्था बाधित है। खंभा टूट गया है, लेकिन बिजली विभाग का कोई चाहे एक्सियन हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे जेई हो, कोई आदमी पुरसाहाल नहीं है। जनता वहां दर्जा ठोकरे खा रही है। कई बार भी इनको सूचना दिया गया, एक्सियन को, एसडीओ को भी दिया गया, जेई को भी सूचना दिया गया, लेकिन इन लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। से ही बिजली की व्यवस्था वहाँ ठप है और जेई महोदय से 4 तारीख को कहा गया, लेकिन उनके कान पर जीव नहीं बचा। जब तक वहाँ का जेई हटेगा नहीं, जेई बहुत बड़ा भ्रष्ट है। 3-3 दिन लाइन, 4-4 दिन लाइन जो नहीं चल रहा है इस गर्मी में। तमाम वहाँ सैकड़ों दुकान है, सैकड़ों दुकान में दवाई रखी हुई है, फ्रिज में सारी फ्रिज बंद है, हर आदमी का अस्त व्यस्त है, दुकानदारों का व्यस्त है। जगदीशपुर गाँव बिल्कुल एकदम प्रभावित है, बिजली प्रभावित है, तमाम आदमी प्रभावित है। किसी का बिजली नहीं चल रहा है, किसी का पानी नहीं चल रहा है, सारे आदमी बिना स्नान के 3 रोज से लगभग, 4 रोज से लगभग आदमी वहाँ पड़े हुए हैं। गत 4 तारीख को इस बस्ती मुख्यालय पर महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश का आगमन हुआ और उनके स्वागत में सड़कों के किनारे सफाई करके सारी बातें अच्छा दिखाने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन शहर के मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूर ही सटे बिजली के खंभे गिरने से उस इलाके के कई दसियों गांव के बिजली प्रभावित हैं और वहां के तमाम हमारे जनप्रतिनिधिगण यहां आकर के जिलाधिकारी महोदय को इस बात को अवगत करा रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से विद्युत आपूर्ति वहां जो है नहीं हो रही है, बिजली खम्भा लगने के नाते, गिरने के नाते। देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए रुद्रप्रयाग पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाने द्वारा दिए गए निर्देशों पर पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन की देखरेख में जनपद रुद्रप्रयाग की एसओजी और थाना उखीमठ पुलिस ने उखीमठ क्षेत्र के एक व्यक्ति को 114 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जहां अभियुक्त के विरुद्ध थाना उखीमठ में एनडीपीएस अधिनियम की सुसंगत धाराओं के साथ ही अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय के सामने उसे पेश किया जा रहा है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो
संकल्प है ड्रग फ्री देवभूमि, उसके तहत हम लगातार जो है रुद्रप्रयाग में इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें हमारे जो SOG की टीम है, जो हमारे थाने हैं, वो लगातार ऐसी जो ड्रग्स या NDPS के भंडारण है या उसका संचालन कर रहे हैं, उसका लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक जो है जनवरी से लेके अभी तक हमने 5 मुकदमे जो है उसमें लिखे हैं, और साथ साथ इसमें लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो भी ऐसी कोई अवैध कार्रवाई करता है या अवैध वस्तुओं का संचालन करता है या भंडारण करता है। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली पुलिस ने गिरोह बनाकर जमीनों का गोरख धंधा करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो यहाँ आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र की टहरी विस्थापित कॉलोनी निवासी सोमदत्त ने रुड़की निवासी शमशाद मुस्तकीम, अजीम अहमद, अजीम की पत्नी और रियासत के विरुद्ध जमीन बेचने के नाम पर सोमपाल से 29,05,000 रुपए हड़पने और घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज कर जाने से मारने की धमकी तक के संबंध में सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। आपको बता दें कि मुकदमे की जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली है कि मदद कराए गए आरोपियों का एक गैंग है, जिसका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अपना नेटवर्क है। ये लोग योजना बनाकर सीधे साधे लोगों को अपने जाल में फंसा कर पैसों की ठगी करते हैं। बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आ रही है, जहां केदारनाथ से ऊपर लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर वासुकीताल ट्रैक पर 1 सितंबर को 4 लोगों की टीम गई थी, जिसमें से एक युवक आदित्य सिंह की अचानक तबियत खराब होने की सूचना मिली। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह 7 सितंबर 2023 को ट्रैकर विनय नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि 1 सितंबर 2023 को अपने 4 साथियों के साथ वासुकी ताल गए थे, जहां अचानक उनमें से एक व्यक्ति की स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो गई। यहां पर मौसम अत्यधिक ठंड और खराब होने की वजह से हेली को कई बार दिक्कतें झेलनी पड़ी। आपको बता दें कि जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर शीघ्र वासुकीताल के लिए पवन हंस हेली भेजा जाएगा। वहां से चारों ट्रैकरों को हेली से रेस्क्यू कर स्वास्थ्य उपचार हेतु फाटा लाया गया और 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेज दिया गया। वही बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वन विभाग द्वारा बिना जिला प्रशासन और पुलिस और स्थानीय प्रशासन को जानकारी दिए हुए क्यों ट्रैकरों को अनुमति दी जा रही है, जबकि कई बार ट्रैकरों के साथ अप्रिय घटनाएं भी हो चुकी हैं, उसके बाद भी जिला प्रशासन को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है फंसे हुए व्यक्तियों को वहां से निकालने के लिए। तो ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि आखिर ट्रैकरों को ये जो अनुमति क्यों दी जा रही है। सुबह 5:30 बजे लगभग केदारनाथ से 8 किलोमीटर ऊपर वासुकीताल के यात्रा रूट पर 4 ट्रैकर ट्रैकिंग कर रहे थे, जिसमें कि एक ट्रैकर द्वारा, जो जिसका नाम विनय था, उसके द्वारा मुझे सूचना दी गई कि यहाँ पर जो हमारा साथी है आदित्य, उसकी हालत काफ़ी सीरियस हो गई है, वो ना बोल पा रहा है और ना ही चल पा रहा है। तो तत्काल जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में देते हुए पौड़ी पुलिस ने आखिरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक शातिर अभियुक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। जहां अभियुक्त द्वारा एक भाजपा कार्यकर्ता के बंद पड़े हुए घर के ताले तोड़कर लाखों की नकदी और ज्वेलरी में हाथ साफ करने के साथ ही एक पेट्रोल पंप कार्यालय का ताला तोड़कर भी नकदी और महत्वपूर्ण कागजात पर हाथ साफ किया था। पुलिस ने शहर में लगे CCTV फुटेज खंगालने के साथ ही आसपास पूछताछ की तो जाकर पता चला कि आखिर अभियुक्त पुलिस के हत्थे वो युवक चढ़ ही गया। अभियुक्त धर्मवीर से पुलिस ने एक लोहे की सब्बल, एक गैती और एक दोपहिया वाहन बरामद किया है। वही पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसका एक और साथी चोर है, जो की घटना में शामिल था, जिसकी धरपकड़ में पुलिस जुट चुकी है। वही शातिर को पकड़ने पर SSP ने पुलिस टीम को 2500 का इनाम दिया है। ग्रामीणों ने शातिर चोर के पकड़ने पर SSP का आभार भी जताया है। ये लगातार कस्बा पौड़ी और आसपास के जो गांव हैं वहां पे ताले टूटने की घटना हुई थी, और अभी परसों ही जो एक बाबू के आगे पेट्रोल पंप है वहां भी चोरी की घटना हुई, चौपड़िया में कुछ दुकानों के ताले टूटे। तो इसमें लगातार हमारी टीम जो है उसे लगा कर रखा गया था, और साथ ही साथ हमारी जो CIU की टीम है उसे भी लगाया गया था। CCTV कैमरे
को चेक किए गए और इवन सर्वेलांस के माध्यम से जो है हमें कुछ डिटेल्स मिली थी। जन्माष्टमी के पर्व घर घर में इस समय लड्डू गोपाल कान्हा जी को सजाने सवारने का सिलसिला जोरों शोरों से जारी है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक महिला पिछले 7 सालों से लड्डू गोपाल जी का पार्लर चला रही है। इस पार्लर में देश विदेश से लोग लड्डू गोपाल कान्हा जी का मेकअप कराने आते हैं। इस जन्माष्टमी को लेकर अब तक इस पार्लर में 7,000 लड्डू गोपाल जी का मेकअप हो चुका है। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद की गांधी कॉलोनी में सैफाली वर्मा नाम की एक महिला है जो कि पिछले 7 सालों से लड्डू गोपाल जी का पार्लर चला रही है। इस पार्लर में जन्माष्टमी के पर्व पर देश के साथ साथ विदेशों से भी लड्डू गोपाल कान्हा जी को सजाने संवारने के लिए लोग आते हैं। इसके साथ इस जन्माष्टमी पर अब तक आपको बता दें कि इस पार्लर में 7,000 लड्डू गोपाल यानी कि कान्हा जी का मेकअप हो चुका है। इस पार्लर को चलाने वाली महिला सैफाली वर्मा बताती हैं कि देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ इस पार्लर में इस बार न्यूजीलैंड और लंदन से भी लड्डू गोपाल जी का मेकअप करने के लिए यहां पर युवक पहुंचे हुए थे। सैफाली वर्मा ने यह भी बताया कि इन दिनों वो अपनी 10 लोगों की टीम के साथ 24 घंटे काम कर रही हैं और लड्डू गोपाल यानी कान्हा जी को तैयार करती हैं। इसको चलाते हुए 7 साल हो गए हैं, ये लड्डू गोपाल जी के नाम से चल रहा है और यहाँ लगभग 7,000 गोपाल जी तैयार होके जा चुके हैं। आप लड्डू गोपाल जी तैयार करती हैं, अभी जन्माष्टमी है तो अभी तक आपने कितने लड्डू गोपाल जी तैयार किए? 7,000 गोपाल जी हो चुके हैं यहाँ पर लगभग तैयार। कितने घंटे में आप लड्डू गोपाल जी को तैयार करते हैं, कितना समय? इसमें शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग काम चलता है, थोड़ा थोड़ा वर्क होता है, थोड़े थोड़े टाइम में 2 से 3 दिन एक गोपाल जी को लगते हैं। झांसी जिले के उल्दन थाना क्षेत्र के रहने वाला एक व्यक्ति आज एसएसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उसने प्रार्थना पत्र देख के माध्यम से शिकायत करते हुए बताया कि उसकी शादी कई सालों पहले हो चुकी थी और उसकी पत्नी से 4 सितंबर 2014 को न्यायालय में तलाक संबंध विच्छेद हो गया था। इसके बावजूद भी उसकी पत्नी उसके घर में जबरन कब्जा किए हुए है। इतना ही नहीं, पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके घर के पास का ही रहने वाला एक व्यक्ति है जिससे उसकी पत्नी का नाजायज संबंध है। पीड़ित पति ने आरोप लगाते हुए बताया कि नाजायज संबंध बनाते हुए पति ने जब उन दोनों को देखा तो उक्त व्यक्ति और पत्नी द्वारा पीड़ित को जान से मार देने की धमकी भी दी गई। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर ये बात किसी को वो बताएंगे तो उन्हें जान से मार दी जाएगी। इस बात के डर से पीड़ित व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वही पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर जान माल की हिफाजत और पत्नी और उक्त व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि पहले हमारी शादी हो गई थी, शादी के बाद हम अपने घर पर अच्छे से रहते थे, अच्छे पर रहते हुए इसके बाद में हमारे 2 बच्चे हुए। बच्चे होने के बाद हमारे जो पिताजी थे, हम और हमारे पिताजी थे, हमारी माताजी पहले गुजर चुकी थी। अब जो हमारे पड़ोस वाले धर्मदास कुशवाहा हैं, ग्राम पलरा के रहने वाले हैं, सेगरा में रहते हैं, हमारे बगल पर इनका मकान है। और इसके बाद में जो हमारी पत्नी है धनवंती, इनसे इनके नाजायज संबंध है, गलत संबंध है। वही अगला मामला गुरसराय थाना क्षेत्र के मंझोर गांव का है, जहां के रहने वाली एक महिला ने एसएसपी से शिकायत करते हुए बताया कि 3 सितंबर को वो अपने घर के अंदर थी। इसी दौरान घर के पास रहने वाला एक दबंग युवक घर के बाहर आया और गाली गलौज करने लग गया। जब उससे रोका गया तो उसने मारपीट करते हुए अभद्रता की, जिसका वीडियो भी इस वक्त उसके पास मौजूद है, जिस पर पीड़ित महिला थाने में शिकायत की, मगर पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। ऐसा हम अक्सर देखते हैं कि पुलिस महिलाओं की शिकायत को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कोई बड़ा हादसा हो जाता है। वही आपको बता दें कि परेशान होकर पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है और कार्रवाई करने की मांग भी की है। क्या नाम है आपका? कमला देवी। क्या हुआ आपके साथ? उमेश वासो गाली दे रहे थे, बराई बराई गंदी गंदी गाली नहीं उनने से, हमने पूछ उससे कि क्या होगा, कायदे रहे सुबह से उनने तो पकड़ के हमें ब्लाउज पकड़ के फाड़ के और सड़क पे पटक दिया है, वो पटक पकड़ के उसको मारा है हमें। बस हमारा लड़का दौड़ा तो उसको, उसने वीडियो बनाया, उसने ब्लाउज छोड़ रहा छोड़ा लिया है, उसका मारा है उसने। लड़के ने दबंगी बताते हैं उसको, भाई है पैसों को बताते हैं प्लस में उसको लड़का हूँ मैं इसको भाई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।